जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत दुनिया भर के तमाम देशों में अभी भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पड़ोसी चीन में कोरोना से भारी तबाही मची हुई है। इन सबके बीच भारत में विदेश से आने वाले यात्रियों में कोरोना के एक दो नहीं बल्कि 11 वेरिएंट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक एयरपोर्ट और समुद्र के रास्ते भारत आए यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की गई थी। इनमें पॉजिटिव मिले यात्रियों में 11 वेरिएंट मिले हैं। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक विदेश से आए 19,227 यात्रियों की टेस्टिंग की गई। इनमें से 124 कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो इनमें से 11 कोरोना वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ये सभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं। हालांकि इनमें से कोई भी वेरिएंट नया नहीं है, ये पहले भी भारत में मिल चुके हैं। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 188 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 201 मरीज ठीक हुए हैं। ऐसे में एक्टिव केस घटकर अब 2,554 रह गए हैं। रिकवरी रेट 98.8%, वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.10% है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,93,051 टेस्ट किए गए हैं। दुनिया भर में कहां कितने केस। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.88 लाख केस मिले हैं, जबकि 1,517 लोग ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा केस जापान में 1.04 लाख मिले हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में 78,000, अमेरिका में 39,000, जर्मनी में 28,000 और ब्राजील में 30,000 केस मिले हैं। वहीं मौतों की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा 346, फ्रांस में 123, जर्मनी में 235, ब्राजील में 207, जापान में 58,162, दक्षिण कोरिया में 54 लोगों की मौत हुई है।